स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं एक Q&A वीडियो जरिए बनाने वाला हूँ। उसके लिए अगर आपको मेरे कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन है। #jobless_yam लिखकर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो मैं आपको जरूर आंसर करूँगा। शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है श्याम जफर और आज की वीडियो मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में जो मैं ग्राफिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो ग्राफिक कार्ड आपको 4000 रुपीज़ के अंदर अंदर मिल जाएगा। दूसरे ग्राफिक कार्ड का नाम आपने थंबनेल में देख ही दिया होगा। इस ग्राफिक कार्ड के बारे में पूरा आपको मतलब रिव्यू देने वाला हूँ, बेंचमार्क देने वाला हूँ, इस ग्राफिक कार्ड रिलेटेड अपना ओपिनियन देने वाला हूँ और सब चीज़ें बताने वाला हूँ इस ग्राफिक कार्ड के रिलेटेड। तो अपने वीडियो को स्किप नहीं करनी और उम्मीद है कि आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कमाल की वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफिक कार्ड के बारे में, ठीक है। तो ग्राफिक कार्ड मैंने आपको जो पिछली वीडियो में बताया था वो भी सस्ता ग्राफिक कार्ड था, अराउंड 5000 में जाइए। उसके बारे में आपको फुल डिटेल दी जो कि लोगों ने देखी और मेरे व्यूज़ भी अच्छे खासे आए उस पर और लोगों ने मुझे बोला यार इसी पर वीडियो बना ग्राफिक कार्ड पर। तो एक आदमी ने मुझे नीचे कमेंट करा जब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा था, दरअसल मेरा वो Q&A का बताया था, मैंने Q&A वीडियो बनाया था, मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा Q&A क्वेश्चन दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपका भी और क्वेश्चन अगर अभी देने हैं तो आप दे सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन पर। अगर एक आदमी खाली में दो ही क्वेश्चन उठाऊंगा, ठीक है, एक आदमी में दो क्वेश्चन उठाऊंगा सेवन उठाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर एक आदमी ने कमेंट करा, उसके बाद ना उसने बोला कि आप ग्राफिक कार्ड वीडियो बनाएं GT70, ठीक है। तो वही वीडियो आज की है तो मैंने बोला ठीक है इसके ऊपर वीडियो लेते हैं यार, उसकी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। मैंने बहुत से लोगों की मतलब बात सुनी है कि वीडियो बनाई है तो मैं आज इस पर ही वीडियो बना लेता हूँ। तो वीडियो आपका पेश हाजिर है आपके पास, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें ग्राफिक कार्ड के फुल नेम की। इस ग्राफिक कार्ड का पूरा नाम है NVIDIA G4 GT 710, ठीक है। ये ग्राफिक कार्ड फुल नेम है और हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की, ठीक है। दोस्तों इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि DirectX 12.0 कार्ड है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, DirectX 12 मिल रहा है आपको। और अगर हम बात करें इसके शेडर की तो 5.0 शेडर है इसका, तो OpenGL इसका 4.5 है जो कि बिल्कुल सही है। और इसकी रेजोल्यूशन है वो 4096x2160 है, तो मतलब इसकी रेजोल्यूशन इतनी मैक्स और 30W लेता है, मतलब इतनी पावर लेता है 30W की। अब हम बात करते हैं इसके आगे और डिटेल की। तो 1024 MB कार्ड है, मतलब 1 GB कार्ड है जो कि सही बात है, सही है 1 GB आपको 4000 रुपये में इतना ही मिलता है। और 898 MAH की सी मतलब वो है, मतलब ये किसान स्पीड कह सकते हैं मेमोरी स्पीड। और ये 64 बिट का काफ़ी कार्ड है, ठीक है, 64 बिट का काफ़ी कार्ड है, बिट थोड़ा कम है इसका और जो कि बहुत ज़्यादा कम है इस प्राइस रेंज में, लेकिन आपको परफॉर्मेंस बहुत इतनी दे देगा, इतना भी घटिया नहीं खिलाएगा ये काम। और ये DDR3 का काफ़ी कार्ड है जो कि मतलब थोड़ा कम है। दोस्तों अगर हम बात करें ग्राफिक कार्ड के बेंचमार्क की तो मैं आगे जाकर बेंचमार्क जरूर दिखाऊंगा, पहले हम ग्राफिक कार्ड के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। दोस्तों इस ग्राफिक कार्ड में सब चीज़ें आपको बिल्कुल सही दी है, DirectX 12 आपको सही है, मतलब इसके लिए शेडर भी सही है, OpenGL भी, रेजोल्यूशन भी ठीक है, वॉट भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है वो मतलब आती है खाली इसकी बेटर होती है वहाँ पर DDR3 ग्राफिक कार्ड, ये 64 खाली बेटर कार्ड है और DDR3 कार्ड है, ये मतलब एक प्रॉब्लम है। लेकिन इस ग्राफिक कार्ड को मैंने खुद एक्चुअली मैंने बाय नहीं किया इसको, तो उसका मैं कुछ ओपिनियन नहीं दे सकता किस तरह का, लेकिन हाँ चलते हैं हम बेंचमार्क की तरफ जो कि मैं आपको दिखाता हूँ बेंचमार्क में कौन सा गेम कितने रेजोल्यूशन में चला रहा है, जिससे आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आप ज़्यादा गेम इस पर खेल सकेंगे आसानी से, ठीक है।
दोस्तों ने बेंच मार्क देख लिए होंगे, मतलब कैसे बेंच मार्क है इसके, आप खेल सकते हैं इस पर गेम, अच्छे खासा गेम खेल सकते हैं इसके अंदर। तो आपको ये मीडियम सेटिंग पर चला ही देगा गेम आपको कहीं ना कहीं करके, बड़े बड़े गेम नहीं तो कुछ गेम भी हाई अल्ट्रा में भी चला रहा था, जो कि सही बात है। लेकिन ये काफी का जो प्राइस है वो 4000 रुपीज़ है, अगर अराउंड आप बोले ऑफलाइन मार्केट की तो वहाँ पे 4 से 5000 तक की है, अगर आप बात करें ओएलएक्स की तो वहाँ पे 6000 तक की बात क्या होता है काफी का, ठीक है। वहाँ सस्ते भी लिखे हुए लोगों ने, लेकिन सस्ते वाले कैसे ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो मतलब प्राइस रेंज चली है ओएलएक्स की वो खाली 6000 तक की, जो अच्छे रिजल्ट मुझे अच्छे कंडीशन में जो है, ठीक है। अब मैं बात करते हैं ओवरऑल ओपिनियन के अपने, ठीक है दोस्तों। इस ग्राफिक कार्ड में सब स्पेसिफिकेशन ठीक है, खाली इसकी जो DDR है और DDR चीज़ का फिकार 64 बिट है, जो कि मतलब थोड़ा कम है मेरे हिसाब से, बहुत कम है इस प्राइस लेंगे लिहाज से। तो ये ग्राफिक कार्ड मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, अगर ग्राफिक कार्ड आप बाय करें आप इसी की प्राइस रेंज में और इसी के टक्कर में, और GTX 650 भी आ रहा है और साथ में GTX 450 भी आ रहा है दोस्तों। ये दोनों कार्ड तो इससे बहुत ज़्यादा लाखों दूर कर दिए अच्छे हैं, जो कि मतलब उनमें जो आपको मिलेगी बिट 128 बिट तक पहुँच जाएंगे, वो जो वो GDDR5 ग्राफिक कार्ड है। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि आप मुझे Q&A के लिए क्वेश्चन भेज सकते हैं #joblessZiam लिखकर, मैं आपको ज़रूर इसके आंसर दे दूंगा वीडियो बना के। मुझे अच्छे खासे क्वेश्चन मिल गए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको अगले ही फ्राइडे तक बना दूं वीडियो को, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मैं हाजिरूंगा मेरी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।